हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो पपी बाइटिंग से रिलेटेड है या डॉग बाइटिंग से रिलेटेड है कि पपी बाइटिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को डॉग द लैब्राडोर को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें और वीडियोज को दूसरों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो काफी मतलब यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारे जो भी पेट्स ऑनर हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो नया पपी घर पे लाते हैं तो उनकी जो एज होती है जनरली 45 से 50 डेज के बीच में ही होती है। उस टाइम पे क्या होती है, उनकी बाइटिंग क्या बहुत ज्यादा होती है, तो जब वो बाइट करते हैं खेलने के लिए तो उस टाइम पे काफी हमें हर्ट होता है, कभी कभी वो क्या होता है ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो उसको डेफिनेटली मतलब हमें कम करना ही पड़ता है, नहीं तो क्या है कि घर पे बच्चे होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो उनको उनके साथ बाइट करता है तो वो लोग काफी इरिटेटिंग फील करते हैं और उनको अच्छा नहीं होने लगता। तो ऐसे में हमारा काम है कि हम उस बाइटिंग को कम करें, उसको मतलब ट्रेन करें जो हमारा पपी है उसको, ताकि वो फ्यूचर में ऐसे बाइट ना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। पहले तो ऐसा है कि देखिए, पहले तो उन्हें ट्रेन करना होगा। ट्रेन हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर वो आपको बाइट करता है उस टाइम पे हम उनको स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट करें, बोले कि हेलो ए नो, इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा कि सडनली वो बाइट करना रोक देते हैं, और ऐसे कंटिन्यू करने से उनकी जो बाइटिंग की आदत होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ पपीज ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत जल्दी जाती नहीं है, जैसे कि मेरे डोडो की है, डोडो की बाइटिंग की जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है, लेकिन अभी काफी हद तक कंट्रोल्ड है। तो इस टाइम पे क्या था कि ऐसे जो डॉगीज होते हैं, ऐसे जो पपीज होते हैं जिनकी आदत नहीं जाती, उनके लिए मार्केट में अवेलेबल होता है माउथ कवर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माउथ कवर इस टाइप का होता है जो कि प्लास्टिक बॉडी में या फिर मेटेलिक बॉडी में भी मिलती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जनरली यूजफुल है जब पपीज आपका 6 मंथ्स या 7 मंथ्स अप्रोक्स मैक्सिमम वहां तक है उसके लिए, या उसके बाद भी अगर बाइट कर रहा है तो उनके लिए थोड़े बड़े साइज का मिलता है तो उसके लिए हम लगा सकते हैं, ताकि जब बड़ा डॉग हो जाता है उस टाइम पे तो उनकी बाइटिंग काफी खतरनाक हो जाती है। हालांकि पपीज की बाइटिंग उतनी खतरनाक नहीं होती 3 महीने तक, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी इतनी ज्यादा होती है उस टाइम तक कि वो अगर बाइट भी करें, ब्लीडिंग भी होने लगे तो 3 महीने तक खासतौर पर प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि अगर आप अपनी पपीज को किसी दूसरों के साथ, किसी दूसरे डॉग के साथ में कॉन्टेक्ट में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पज है अभी बताने का वो ये है कि अगर आपका डॉगी बाइट कर रहा है उस टाइम पे आप मार्केट से या अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको क्या है कि सामने ऐसा बस उसको वेयर करना है। जनरली क्या होता है, डॉगी 1 या 2 बार तो पहन लेगा, लेकिन उसके बाद उसको पता चल जाता है कि ये उनके लिए एक सजा है तो वो उसे दूर भागने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसे आपको उसको वेयर करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें आप कि इसको मतलब उसके सामने ले जाएंगे तो भागने लगेगा, तो उसमें क्या करें कि उसको दिखा के 2-4 जो बिस्किट्स आते हैं डॉग्स के लिए या फिर उनके लिए जो ड्रूल्स या जो पेडिग्री के दाने हैं वो उसमें डाल दें, तो उसको स्मेल लेके वो उसमें मुंह डाल देता है, तभी आप उसको कवर कर दें। ठीक है, जब कवर कर देंगे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही आप उनको ये पहना देंगे ना, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं रह जाते, वो मतलब स्लीपी मोड में चले जाते हैं काफी ज्यादा, मतलब ऐसे लगता है उनको शॉक लग गया है, तो कोने में जाके बैठ जाते हैं चुपचाप। फिर कंटिन्यू ऐसा अप्रोक्सीमेटली आप 3-4 घंटे उनको तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद उनको खोल दें, मतलब कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए उसको बेयर ना करें, नहीं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी आदत ऐसे जा सकती है। लेकिन अभी दूसरा जो केस आता है कि अगर ये लगाने के बाद भी मान लीजिए आपका पपी वाइट करना नहीं छोड़ रहा है, तो वो देखिए इसको आप ज्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि क्या पपीज छोटे होते हैं उस समय तक तो प्रॉब्लम है जब उनके दूध के दांत रहते हैं, क्योंकि वो शार्प होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दांत दूध के गिर जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट जो दांत आते हैं वो काफी मजबूत होते हैं और ब्लंट होते हैं, तो आपको जो बाइट करते हैं उस टाइम पे वो दांत आपको हर्ट नहीं करते वो जनरली। और वहां तक क्या होता है ना कि जैसे ही डॉगी 6 से 7 या 7 मंथ से अब हो जाते हैं तो थोड़े उसमें उनमें समझदारी भी आने लगती है और वो थोड़े मेच्योर होने लगते हैं, जैसे जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो जल्दी से अडॉप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उस टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम इनको मतलब ट्रेनिंग करने में नहीं जाती। और ट्रेनिंग का अच्छा पीरियड वही होता है उस टाइम पे, काफी अच्छे से मतलब बहुत ही जेंटली वो लोग ट्रेन होते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे होते हैं पेट लवर्स के अपने डॉगी को चीव करने के लिए मार्केट से जो उनके लिए चीव स्टिक होती है या बोन होता है वो परचेस कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे भी मैंने सुना है कि बताते हैं कि चीव स्टिक या बोन स्टिक देने से उनके जो ब्लंट जो शार्प टीथ होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, तो
तो ये ऐसा बिल्कुल भी गलत है, बल्कि उनकी मतलब उल्टा उनकी जो आदत होती है वो बुरी हो जाती है, और चीव करने की आदत ज्यादा हो जाती है, मतलब किसी भी चीज को चबाने की आदत ज्यादा लग जाती है, जिससे कि आपके घर में रखे हुए जो सामान है उसको भी वो चीव करने लग जाते हैं, जैसे कि सोफा हो गया, गद्दा हो गया आपका, या बेडशीट हो गया, तो ये सब चीजों को, या कपड़े हो गए, कीमती कीमती कपड़े अगर मान लीजिए रखे आपके, अगर नजर से हटा तो डॉग क्या करता है उसको चीव करके मतलब पूरा खराब कर देता है, तो ऐसे में आपके सामान भी खराब होने लगते हैं। तो बेटर है कि आप इन सब चीजों से अपने पेट्स को दूर ही रखें, क्योंकि इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कंडीशन में इन सब चीजों की प्रॉब्लम है तो उनको मेडिसिन डायरेक्टली दे सकते हैं डॉक्टर को दिखा के, तो फिर उतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में अमेजोन पे अवेलेबल है बहुत सारे मेडिसिन जो कंडीशन से डायरेक्टली रिलेटेड है पपीज के लिए, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसको डिटेल्स में भेज दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरे इस वीडियो को आप ठीक है यहाँ तक तो बता दिया है ना ऑलरेडी दूसरा फ्रेंड्स, जो मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो अपलोड किया हुआ था जो कि रिलेटेड था हेयर फॉल से, प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उस हेयर फॉल के वीडियो में क्या हुआ कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको हेयर फॉल से रिलेटेड जो इश्यूज है वो सारे आपको बता दूंगा। उसमें एक्चुअली क्या है कि मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ कि जो हेयर फॉल के बारे में मैंने बताया उसमें जो बेसिकली तीन चीजें होती हैं, जैसे कि फूड इश्यू जो है, फूड मतलब जो आप खाना दे रहे हो, अगर घर के खाने दे रहे हो तो घर के खाने में बिल्कुल भी नमक तेल या फिर मीठी चीजें ना दें, तो उससे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ें जो वो शैम्पू है, जो अगर आप शैम्पू को यूज कर रहे हैं, घर का कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं जो ह्यूमन के लिए होता है वो बिल्कुल भी ना करें। डॉगी के लिए मिलता है मार्केट में, वो भी सस्ते ही है, 200 से 300 रुपये में मिल जाते हैं अच्छे शैम्पू, वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा रीजन हो सकता है वर्म का। वर्म भी ऐसा है कि आपको 3 से 4 महीने में डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है, और करना ही है, बेटर है ताकि आपका जो डॉगी है वो बिल्कुल भी कोई गंदी चीजें ना खाए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप उसको इवनिंग और मॉर्निंग में लेके जाते हैं बाहर तो मतलब गंदी चीजें खा सकता है, बहुत बार मैंने देखा है खाते भी हैं, तो डीवॉर्मिंग से एक फायदा होता है कि वो उन चीजों को मुंह नहीं लगाते। उसके बाद है उनकी शेडिंग करना। शेडिंग करना मतलब जैसे आप नहलाते हैं उनको, नहलाने के समय या फिर रैंडमली अल्टरनेट डेज में आप उनको शेडिंग करते रहिए। नहलाने के समय, नहलाने के बाद जैसे ड्राई होता है उनका हेयर, उस टाइम पे तो करना जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, जो डेड हेयर्स होते हैं काफी ज्यादा निकलते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप उनकी शेडिंग अच्छे से कर लें, वो भी घर के बाहर ले जाकर, ताकि पूरे जो बाल है वो बाहर गिर जाए और आपका घर जो है वो बालों से गंदा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा हेयर फॉल से रिलेटेड जो इश्यूज था वो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, तो प्लीज अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके टिल देन, बाय बाय।